हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 मैथ आरडीएस का एक्सरसाइज 11.4 बनाना है, जबकि इसके पहले मैंने 11.2 और 11.3 एक साथ पढ़ाया था। देखिए 11.4 क्या है। दिया है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया है प्रत्येक को ज्ञात कीजिए कि कौन कितना होगा। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन कि 7% ऑफ रुपीज 7150, 7150 का 7% कितना होगा, तो परसेंट बताए थे कि 100 देखा जाता है, तो निकालेंगे यहाँ 7150 इंटू 7 बाई कर देंगे 100। ठीक है, अब 100 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 71.5। ठीक, यानी बच गया 71.5 इंटू 7। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 75 का 5 कैरी 3, 7 जा 7 3, 10 का 0 कैरी 1, 7 7 जा 49 1 50, यहाँ इसमें लगा दिए, यानी 5050 पैसा हो जाएगा, मतलब 50 पैसा हो गया, 500 रुपीज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 40% ऑफ 400 kg, 400 किलोग्राम का 40% कितना होगा, तो यानी 400 किलोग्राम है, तो यहाँ कर देंगे 400 × 40/100, क्योंकि परसेंटेज 100 पर देखा जाता है, यहाँ कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी 44 जा 160, यानी 160 क्या हो जाएगा, किसमें दिया हमारा, वो केजी में दिया है ना, 160 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 3 × 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर, इसको भी हम देखते हैं, 3 × 1/3% ऑफ क्या 90 किलोमीटर, कर देंगे 90 × 3 3 जाए 9 1 3/3 और इंटू इसमें 100 कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, हो गया 3 × 3 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर हु 12 × 1/2% is 64, मतलब नंबर क्या कीजिए इसका, वो नंबर क्या हो जो 64 का 12 × 1/4% दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, लेट बी नंबर इक्वल टू एक्स, एक्स का क्या है हमारा, एक्स का 12 कॉम्बिनेशन है ना, तो एक्स गुणे 12 × 1/2 / 100 इक्वल टू 64, तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू 25/2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, 25 × 4 जा 100 हो गया इक्वल टू 64, और हमारा क्या बच गया, ऊपर हो गया x, नीचे हो गया 4 × 2 जा 8 इक्वल टू 64/1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 64, तो x इक्वल टू 8 × 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 × 6 जा 48 3 51, 500 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, किसका होगा, किसका, फाइंड दी नंबर ऑफ व्हिच 12 × 1/2% 64 का, मतलब 500 जो 12 × 1/2% 64, यानी 512 वो नंबर है जिसका हमने 12 × 1/2% निकाला जाए तो 64 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर, वो नंबर ज्ञात कीजिए, 6 × 1/4% इज क्या, विच टू, मतलब वो नंबर ज्ञात कीजिए, किस नंबर का 6 × 1/4% निकाला जाए 2 हो जाए, ये भी वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां भी लिखेंगे, लेट बी
नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक, एक्स का ही वो क्या होगा सी कॉम्बिनेशन 1/4/100 हो रहा है इक्वल टू कितना 2, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 6 24 125 / 4, ये नीचे हमारा, ये हमारा ये परसेंटेज वाला 100 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू लग जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 2 24 1 4 5 1 25 4 100, एंड नीचे में हो जाएगा x बाई 4 4 16 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 2 32, ठीक है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट करेंगे, बताएंगे फिर, ठीक। तो फिर उसका अगला क्वेश्चन जो भी इस प्रॉब्लम में आएगा क्वेश्चन आप लोगों का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाएगा।